कैसरगंज संसदीय सीट से महागठबंधन सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्र ने रविवार को देवीपाटन मंडल मुख्यालय पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के आवास पर बैठक कर विधानसभा वार्ड चुनाव प्रचार पर रणनीति बनाई। प्रमुख लोगों में तरफगंज के विधानसभा प्रभारी रामभजन चौबे, कर्नलगंज से पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, बैकपुर से पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव, कैसरगंज से विधायक आनंद यादव शामिल रहे। यहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश सुनाया गया। कम समय में विधानसभा से पूर्व विधायक व विधायक पूर्व प्रत्याशी अपनी जिम्मेदारी संभालने। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन ने की। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। आज बैठक भी कर रहे हैं, कम समय बचा है, 5 विधानसभा कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? जितना समय है उतने समय में 5ों विधानसभा में हमारे विधायक और विधायक प्रतिनिधि जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी विधानसभा की कमान संभाल लिया है। पूरा चुनाव एकदम मैनेज्ड है, उसमें कहीं कोई समय का कोई प्रभाव ही नहीं। जैसे टिकट कई लोग मांग रहे थे, टिकट आपको मिल गया, जो नाराजगी थी कैसे लोगों से दूर कर? किसी में कोई नाराजगी थी ही नहीं, किसी में हमारे पार्टी में किसी कोई नाराजगी ही नहीं थी। टिकट मांगना दूसरी चीज है, वो आपस का हमारे पार्टी का मामला है। सब किसी कहीं कोई नाराजगी, सब लोगों की सहमत से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप एक तरफ बाहुबली और दबदबा परिवार में टिकट मिला है, भले उनको नहीं मिला है, दबदबा के नाम पर उनके घर में करण भूषण को टिकट मिला है, आप किस तरीके से नजरिए देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, अब जो पार्टी बाहुबली की बात बार बार है, उनकी पार्टी ने उनको बाहुबली नहीं माना, उनका टिकट काट दिया है, तो किसको आम मान रहे हैं उनको बाहुबली? क्या हम तो मान रहे हैं कि उनके परिवार में टिकट मिला है अभी जो, वो दूसरी बात है। देखिए, इस देश में संविधान चलता है, संविधान केवल हमारे हिंदुस्तान में संविधान बाहुबली है, कोई व्यक्ति बाहुबली, कानून बाहुबली है। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? उन्होंने तो कहा हमने बहुत विकास किया, हमारा सरकार जगह जगह सड़क और कई ऐसे किसानों के लिए कार्य की है। आप एक विकास हमको बता दीजिए जो उनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो। एक रेलवे लाइन दिखाई पड़ी है जो यहाँ गोंडा से होकर के निकलती है और लखनऊ तक जाती, दूसरी कोई बनी हो नहीं, बता दीजिए। है कोई तो आप कोई विकास है बता दीजिए, कोई नई एक सड़क बता दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई हो। पुल वही सरजू का पहले वाला बना हो कि नया बना हो बता दीजिए, एक आप बताइए हमको, कोई एक नया विकास बताइए। आपके नजर में विकास नहीं हुआ? हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि स्कूल यहाँ था वो ट्रांसफर कर दिया गया बलरामपुर, कंडलगंज का था, तो ये कौन सा विकास? विकास तो यहाँ से हटा लिया गया। विकास नहीं होता 400 पार का नारा कैसे लगाया? 400 पार का नहीं, नारा लगाने के लिए आदमी स्वतंत्र है, कोई कर सकता है। 600 पार भी कहा जा सकता है जो सीट हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। 400 हार का नारा जो है वो जब सामने आएगा, जो जनता का करंट है, जो जनता चुनाव लड़ रही है, तब दिखाई पड़ेगा। कहने के लिए कुछ जुमलेबाजी इस चुनाव में भी चलाई जा रही है, वो 400 पार की चलाई जा रही है। आप क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? मैं किसानों का